अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हम इकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो बिगड़ता हुआ इकोलॉजी का निज़ाम है उसकी वजह से ये फिनोमेना जो है ये सामने आ रहा है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्रोफिकेशन के लफ्ज़ी मतलब पे देखते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। अगर हम यूट्रोफिकेशन के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो यूट्रो का मतलब होता है वेल, और फिकेशन का मतलब होता है नॉरिश्ड, यानी एक ऐसा फिनोमेना जहां पर बहुत सारी गजाइत मौजूद हो उसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल समझने के लिए मैंने आपके सामने एक झील की डायग्राम बनाई हुई है। ये एक लेक है और इस लेक के अंदर पानी मौजूद है, मछलियाँ रह रही हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इसके इर्द गिर्द अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर आबाद हैं, फर्टिलाइजेशन क्या नाम है फसलें उगाई जा रही हैं, एग्रीकल्चर का प्रोसेस जो है उसके साथ साथ हो रहा है। अगर आप इस तरफ देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इसके अलावा एग्रीकल्चर है और अर्बनाइजेशन है, जहाँ पर इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वहाँ पर इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा माहौल के अंदर सामने आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जब हम खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं या फास्फोरस फर्टिलाइज़र हैं जिनमें नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट्स हैं, तो वो खादें जो हैं वो पौधों के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी के साथ वो नाइट्रेट्स और फास्फेट जो हैं वो फ्लो करके नदी नालों, झीलों, दरियाओं, नहरों और समंदरों में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी में इजाफा होता है, तो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ का जो सीवरेज है, पानी है गंदा नाले का, वो किसी ना किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, किसी लेक में छोड़ दिया जाता है, किसी दरिया में छोड़ दिया जाता है, किसी नहर में छोड़ दिया जाता है। तो हम घरों में आमतौर पर डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पर सर्फ कहलाते हैं, उनके अंदर भी फास्फेट की बहुत सारी मिकदार मौजूद होती है जो उस सीवरेज के पानी के साथ बहती बहती नदी नालों या झीलों के अंदर जो है वो पहुंच जाती है। तो इस तरीके से रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो हमारी वाटर बॉडीज में एंटर हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उनका जो पानी होता है या वेस्ट मटीरियल होता है, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो भी वाटर बॉडीज़ में जा रहा होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो इस तरीके से ये जो लेक है इसमें वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है, इसके अंदर वाटर का टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो भी हो रहा है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का लोड भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब किसी लेक के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो पानी के अंदर ख़ास तौर पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की जब मिकदार बढ़ जाती है तो वहाँ पर पानी के अंदर रहने वाले एक्वाटिक प्लांट्स और एल्जी को बहुत ज़्यादा गज़ा मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये पानी की सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एल्जी ने ग्रो कर लिया है जो कि आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, और इसके अंदर जो प्लांट्स हैं जो कि इस न्यूट्रिएंट को लेकर एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ जो हैं वो ग्रो करेंगे। जब एल्जी और प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं तो इनको वहाँ पर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर, एरोबिक बैक्टीरिया, वो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है जिसके नतीजे में वाटर के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। अब उसकी दो रीज़न होती हैं। नंबर वन, तो एक तो ऊपर एल्जी की लेयर आ जाती है जिससे मज़ीद ऑक्सीजन जो है वो वाटर में एंटर नहीं हो पाती, और दूसरे नंबर पर सूरज से आने वाली शुआएँ जो हैं वो भी पानी के अंदर दाखिल नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। जब हाइपोक्सिया हो जाता है तो पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होती हैं तो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है,
जिसे हम यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। अब इसको मैंने 6 स्टेप्स जो हैं उनमें आपको डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको इजीली जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। नंबर 1, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी में शामिल हो जाना। कैसे? खेतों से आने वाली खादों के जरिए, गांवों, मोहल्लों, मकानों, शहरों से आने वाले सीवरेज के जरिए फास्फेट और नाइट्रोजेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार का पानी में शामिल हो जाना। सनतों से जो फजला हासिल होता है, वेस्ट मटेरियल हासिल होता है, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की शक्ल में पानी के अंदर शामिल हो जाना, पहला मरहला। दूसरे मरहले में एल्जी और प्लांट्स का ब्लूम, जब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पानी में आ जाते हैं जिसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद साइनोबैक्टीरिया, एल्जी और एक्वाटिक प्लांट्स की बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तीसरे नंबर पर जब उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लाइट, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाती है और सूरज की शुआएँ नहीं पहुँच पाती, तो ये एल्जी और प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। चौथे मरहले में फिर उनको एल्जी और प्लांट जो हैं डेड हो जाते हैं, उनको फिर बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, जिससे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पानी में 5वां स्टेप जो है वो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, वो हो जाता है। और आखिरी मरहले में पानी के अंदर मौजूद तमाम एक्वाटिक लाइफ जो है वो डेड हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, पानी के अंदर फाउल स्मेलिंग आती है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है और वहाँ का सारा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाता है। इस अमल को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये इकोलॉजिकल फिनोमेना है और ये इंसान की बदौलत हो रहा है। हमें चाहिए कि आप इकोसिस्टम को बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स इख्तियार करें ताकि माहौल को बचाया जा सके। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।